हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो आई एम ओम वर्मा। मैं आपका मित्र ओम वर्मा आपके साथ मेरी आज क्लास 5th है। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 524 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी क्लास 5th है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑन मैन वुमेन चाइल्ड एंड वेजिस। वेजिस यानी मजदूरी। जैसे किसी वर्कर की मजदूरी हम देते हैं ना, ऐसे वेजिस यानी मजदूरी के ऊपर आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैन वुमेन चाइल्ड पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए कि जो 20 व्यक्ति हैं और 24 औरतें हैं, वे किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर 30 व्यक्ति और 12 औरतें उस काम को करने की ठान ले तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। शायद मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले कराए थे, पर ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करना ज़रूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ये दूसरा थोड़ा उससे हट के कॉन्सेप्ट है, आगे इसके थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आज मैं इसे दोबारा लाया हूँ। अब आप देखिए कि 20 मैन और 24 वुमेन। 20 मैन भी किसी काम को 20 दिन में ही करती हैं और 24 जो वुमेन हैं वो भी किसी काम को 20 ही दिन में करती हैं। अब देखिए, जो आपके ये 20 मैन हैं ये भी 20 ही दिन में किसी काम को करते हैं और उतने ही टाइम में, 20 दिन में ये ही काम करते हैं, उतने ही टाइम में 24 जो आपकी वुमेन हैं वो भी 20 ही दिन में किसी भी काम को करती हैं। अब हम देखते हैं 20 से कैंसिल 20। आपको पता है हमें सबकी इफिशियंसी निकालनी होती है, तो मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी, जो जिसकी वैल्यू है वो उसकी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर 24/20 आ जाएगी। वुमेन किसी की एक को ले लो, 24 थी वुमेन की, यानी 24 वुमेन की नहीं रहेगी, तो इसके सामने 20 चली गई। यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया, यहाँ पर 10 और 12, उसके बाद 5 और आपका 6। तो जो आपका रेशो आया, इफिशियंसी का जो रेशो है वो है 6:5। अब हमें पता लग गया कि मैन और वुमेन का जो इफिशियंसी का रेशो है वो 6:5 है। यानी अगर मैन 6 रोटी डेली खा सकते हैं तो वुमेन 5 ही रोटी खा पाती है। अब हमें देखना है, हमें ये जो है, ये जो वर्क है, हमें कितने व्यक्ति पे कराना है। 30 तो इसमें व्यक्ति हैं और 12 वुमेन है, 12 औरतें हैं, हमें इन पे कराना है वर्क। तो भाई हम चाहे तो ये जो वर्क है ये एक पूरा वर्क है, हम इसे वर्क को 20 मैन, ये जो वर्क है चाहे तो हम इसे 20 मैन पे करा लें या फिर आपकी जो है 24 वुमेन पे कर रहे हैं उतने ही समय में, तो हम इसके इक्वल ये रखेंगे कि हमें ये वर्क किस पे कराना है। ये एक पूरा वर्क है, हमें ये वर्क कराना है आपकी 30 मैन पर प्लस 12 वुमेन पर, तो वे कितने डेज में कर सकती हैं ये हमें निकालना है। आपको बता रखा है मैन की जगह मैन की, वुमेन की जगह वुमेन की इफिशियंसी रखिए, मैन की इफिशियंसी रखी तो ये आ गया यहाँ पर 120 × 20 = 2/26 जा जाएगा ना, 120। ऐसे ही अब जो यहाँ पर रखा 30 मैन, तो ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई कर, उसके बाद 12 12 5 जा 60, ठीक है, × d। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे अब, इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप देखिए जरा। यहाँ पर सोल्व करने के बाद 12 2 जा 24, ये आपका 2400 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, देखिएगा, ये आ गया आपका 240 × d। अब यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा ये 240 × d। अब ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पर ये 10, तो यानी डेज आ गए 10, तो आंसर जो है आपका वो है 10। यानी इसका मतलब जो निकल कर आया, यानी जिस काम को 20 मैन और 24 वुमेन 20 दिन में किया करते थे, अगर उसी काम को हम 30 मैन और 12 वुमेन पे कराएं तो वो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन तैयार करता हूँ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है,
अब देखिए कि तीन मैन और पांच बॉयज किसी काम को 17 दिन में खत्म करते हैं, उसके जैसा ही काम जो कि पांच मैन और तीन बॉयज के द्वारा 15 दिन में किया जाता है। तो बताइए कि वन मैन और वन बॉय की जो इफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है, यानी मतलब जो इसका है कि एक दिन में एक व्यक्ति तथा एक लड़का कितना वर्क, कितना काम, कितनी रोटी खा सकते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। हम अब तक इफिशिएंसी निकालते थे, इसमें भी हमें इफिशिएंसी निकालनी है। देखिए इसने कहा है कि जो आपके तीन मैन हैं प्लस पांच बॉयज में किसी काम को 17 दिन में किया करते हैं, उसी काम को है ना, इसीलिए इज इक्वल टू हमने लगाया, क्योंकि उसी काम को है, उसी काम को पांच जो मैन हैं और तीन बॉयज हैं वे कितने टाइम में, 15 दिन में किया करते हैं, 15 दिन में किया करते हैं। तो हमें वन मैन और वन बॉय की क्षमता का अनुपात यानी रेशियो निकालना है। अब आप देखिए कैसे होगा ये भाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, सो 17 3 51, यहाँ पर मैन प्लस यहाँ आएगा 85 बॉयज इक्वल्स टू 75 आपके मैन हो जाएंगे प्लस आपके 45 हो जाएंगे बॉयज, और मैन वालों को एक तरफ बॉयज वालों को एक तरफ ले जाइए, 51 मैन इधर आएगा माइनस 75 ये होगा इज इक्वल्स टू 45 बॉयज माइनस। अब ये जो आपके बॉयज हैं और मैन ही माइनस में तो होने से रहे, माइनस में तो नहीं होंगे क्योंकि कम से ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका शायद मेरे हिसाब से 24 जो है, 24 आएंगे मैन आपके, और यहाँ से आएगा आपका भाई 40, हाँ ये आपके 40 आ गए बॉयज, ठीक है ना, 40 आ गए बॉयज और आपके 24 आ गए मैन। अब आपको मैन अपॉन बॉयज का जो रेशियो है वो निकालना है, इफिशिएंसी का रेशियो। तो आपको पता है जो जिसकी वैल्यू उसकी नहीं होती है, 40 अपॉन 24 हो गया, से 4 से काटेंगे 10, उसे 4 से काटेंगे 6 और वही 2 से काटेंगे 5 और इसे काटेंगे 3। तो आपका जो मैन रेशो यहाँ पर लिख देता हूँ, मैन रेशो बॉयज आ गया वो आ गया 5:3, इसका जो मतलब है ये आ गया आपका आंसर, इसका जो मतलब है यानी इसका जो मतलब है 5:3 का मतलब है कि अगर मैन एक दिन में पांच रोटी खाया करते हैं या खाते हैं तो बॉयज एक दिन में तीन रोटी खा पाते हैं, ये आपका आंसर है, ये इसमें पूछा गया था, आप इसे नोट कीजिए, तब तक आपका सेकंड क्वेश्चन रेडी किया जा। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं क्या है इसमें, कि जो 10 मैन हैं और 15 वुमेन हैं वे किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर एक मैन जो है अकेला, एक व्यक्ति एक मैन अकेला उस काम को 100 दिन में करता है, तो एक वुमेन अकेली उस काम को कितने समय में संपन्न कर देगी। समझिए कि जो 10 मैन है 15 वुमेन है किसी काम को 6 दिन में करती हैं, और अगर एक अकेला व्यक्ति रह जाए तो उस काम को 100 दिन में करता है, तो एक अकेली जो औरत है या वुमेन है वो उस काम को कितने समय में खत्म कर देगी। आप देखिए आपका जो 10 मैन है प्लस 15 वुमेन है ये किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को जो आपका एक मैन है वो 100 दिन में कर सकता है, ये स्टेटमेंट है आपकी जो दी गई है। उसके बाद आपने इसमें मल्टीप्लाई करी, 60 मैन प्लस 90 वुमेन इक्वल्स टू 1 मैन, ये आपका 1 × 100 हो जाएगा ना, तो 100 आपके यहाँ पर मैन आ गए, ठीक है ना, आपने मैन मैन को एक तरफ रखा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से माइनस होकर 40 मैन इक्वल टू 90 वुमेन, और मैन अपॉन वुमेन का जो रेशो बनेगा
वो आपका आएगा 90/40, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 9/4 आएगा ये, यानी जो मैन रेशो वुमेन है वो है 9:4। इसका मतलब जो है, यानी अगर मैन 9 रोटी खा सकते हैं एक दिन में, तो वुमेन 4 ही खा पाती हैं। आइए अब इससे आगे क्वेश्चन में जो पूछा है कि जिस काम को ये जो है, जिस काम को एक मैन अलोन 100 दिन में कर पाता है, उसी काम को, जिस काम को एक मैन जो है आपका वो 100 दिन में कर पाता है, उसी काम को एक वुमेन कितने समय में कर पाएगी। यानी जिस काम को एक मैन 100 दिन में कर सकता है, उसी काम को एक वुमेन कितने समय में कर सकती है। एक्स ले लो यहाँ पर या डेज ले लो, आपकी जो है सब मर्जी चलेगी। मैन की जो है, आप मैन की जगह 9 इसकी एफिशिएंसी है, इनटू 100 है। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, यहाँ पर 4 × x days, ठीक है ना। तो आ गया आपका 900/4 = x, यानी जो आपका आ गया ये है ना, इसे काटना चाहें तो काट लीजिए भाई, 4 × 8, ये कटेगा नहीं वैसे इससे पूरा, तो आप इसे यहाँ पर सोल्व करके डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 900/4 जो आपका आ गया, यानी जो जिस काम को एक मैन अकेला 100 दिन में कर सकता है, उसी काम को एक वुमेन 90/4 days में कर सकेगी। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, नोट कीजिए आप, तब तक आपका अगला क्वेश्चन रेडी करता हूँ। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4th, आइए देखते हैं। 8 children and 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, यानी 8 बच्चे और 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अब इसके बाद एक सिचुएशन है, अगर एक जो बच्चा है वो किसी व्यक्ति से किसी काम को करने में समय 2 गुना लेता है, यानी अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति से किसी काम को करने में समय 2 गुना लेता है, तो उसके बाद उसने कहा है तो 12 जो व्यक्ति हैं अकेले लगा दिए जाए, तो उस काम को कितने समय में कर देंगे। यहाँ गिवन क्या है आप पहले वो लिखेंगे गिवन। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम होगी वो उतना कम काम करेगा और उतना ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना, और जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा वर्क करेगा उतने ही कम समय में। तो इसमें ऐसा ही कुछ केस है, इसमें गिवन क्या है, 8 children + 12 जो मैन है में किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में किसी काम को करते हैं। अब देखना है हमें, इसके बाद इसमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कि इसमें कहा है कि भाई ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क, यानी इसका मतलब है कि अगर कोई जो मैन है वो एक दिन में 2 रोटी खाया करता है, तो उतने ही टाइम में जो चाइल्ड है या फिर बॉय है, बॉय ले लो या चाइल्ड ले लो, बॉय लेते हैं, बॉय उतने ही टाइम में सिर्फ 1 रोटी खाया करता है, क्योंकि इसने कहा है कि अगर उससे दुगना समय लेता है चाइल्ड, किस चाइल्ड अगर मैन से 2 गुना समय ले, तो यानी मैन की एफिशिएंसी उससे 2 गुना है, तो 2 गुना एफिशिएंसी, यानी अगर बॉय 1 रोटी खाता है तो मैन 2 रोटी खाता है। अब हमें देखना है कि जो वर्क 8 children + 12 men जो हैं आपके इस वर्क को 9 दिन में कर रहे थे, अब उसी वर्क को 12 जो मैन हैं कितने समय में कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग आपको पता ही है भाई, बॉय की यहाँ 8 रखी, यहाँ सी चिल्ड्रन रखो बॉय रखो एक ही बात है, तो 1 रखी 1 8 आ गया, और 12 जो आपका 24 हो गया ना, उसके बाद × 9, उसके बाद आपको रखना है 12 men, यहाँ पर 24 × d, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, अब 24 और ये आपके 8 हो गए, 32 × 9 = 24 × d। अब ये d की वैल्यू निकालने के लिए 32 × 9/24 = d, काटा काटा भाई, 8 + 24 = 8, 4 जाए यहाँ पे 3, तो d आ गया 12 days, यानी
मतलब है कि जिस काम को 8 बच्चे और 12 व्यक्ति 9 दिन में करते थे, उसी काम को 12 अकेले व्यक्ति 12 दिन में कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी। देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि अब मैंने जैसे आपको कहा था वेजेस के क्वेश्चन आएंगे। अब ये है वेजेस के कंसेप्ट पर, ठीक है ना। वेजेस के कॉन्सेप्ट पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी मजदूरी के कंसेप्ट पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए बाकी के हम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो ए बी सी हैं, वे किसी काम का, पूरे काम का कॉन्ट्रैक्ट 6500 रुपये में, यानी 6500 6500 रुपये में किसी काम का करने का ठेका पूरा ले लेते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, कहते हैं उन्होंने कहा कि भाई हम इस काम को करने में 6500 रुपये लेंगे या 6500 रुपीस लेंगे। अगर उस काम को अकेला ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तो अगर वे तीनों लग जाएं उस काम को करने में तो बी को कितने पैसे मिलेंगे, यानी बी का शेयर क्या होगा, बी को कितना शेयर होगा, बी को कितने पैसे मिलेंगे, ये अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखिएगा जो ए है वो कि उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी काम को कितने दिन में, 20 दिन, ठीक है ना। 10 15 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है इसका एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3, टोटल आ गए 30। यानी इसका मतलब है कि ए अगर काम पर लगे तो ए 6 वर्क या 6 काम डेली के करता है, बी 4 काम, सी 3 काम। यानी बात पता लग गई कि ए सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति है और सी सबसे कम मेहनत करने वाला, बी इनके बीच का है, यानी मेहनत करता भी है पर थोड़ी कम करता है, ठीक है ना। तो अब हमें बताना है कि बी का शेयर क्या होगा। अब देखिए टोटल शेयर क्या है भाई, जो आपकी मजदूरी है वो टोटल जो है यानी 60 रोटी हैं, जो 60 रोटी को खाते हैं वे 6 रोटी प्रतिदिन ये खाते हैं ए, उसके बाद 4 ये 3, टोटल 13 रोटी खाई जाती है। यानी जो आपके अब जो 6500 रुपये हैं ये 13 हिस्सों में बटेंगे, ठीक है ना। अब जो ये आपके 6500 रुपये हैं ये सब इस 6500 रुपये के लिए काम कर रहे हैं। यानी अब 6500 में से आपका जो होगा एक 6 रोटी के हिसाब का हिस्सा तो मिलेगा ए को, और 4 रोटी के हिसाब का हिस्सा बी को, और 3 रोटी के हिसाब का हिस्सा सो को। यानी जो आपके 6500 जो रुपए हैं ये इस रेशो में बटेंगे, यानी अगर ये 6 काम करता है डेली, ये 4 काम करता है, 3 काम करता है, टोटल जो काम है डेली का भाई हमने 6500 रुपए के लिए रखा था, तो चाहे वो काम कितने ही दिन में हो, हम देखते हैं 13, यानी टोटल जो काम करते हैं 13 काम करते हैं, हम देखते हैं भाई एक दिन का खर्च कितना आ रहा है, फिर एक दिन में जितना कार्य करते हैं उसके हिसाब से पैसे दे देंगे। भाई 13 टोटल काम इन्होंने किया, यानी 13 पॉइंट लेंगे, 13 पॉइंट के हमने पैसे रखे थे 6500 रुपये। भाई बात यह है कि हमने टोटल पूरे काम के 6500 रुपये रखे थे, तो 13 पॉइंट पूरा काम था, 13 पॉइंट के हमने 6500 रखे थे, तो एक पॉइंट के पैसे हो गए 500 रुपये। यानी एक काम के, यानी आपकी जो एक मजदूरी कह लो या कुछ भी कह लो, यानी एक मजदूरी के 500 रुपये हैं। अब आप देखिए बी ने कितनी मजदूरी की, बी ने आपकी यहाँ पर 4 मजदूरी की, तो बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर है बी को मिलेंगे 500 × 4, यानी 2000 रुपये बी के हो गए। समझ आया तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कल मैं इसी टाइप का क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। बाकी ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट पर कल करेंगे, और कल हम और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपका अल्टरनेट डेज, यानी एक के बाद एक जो दिन में काम करने पड़ते हैं उस पर। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।